ये स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर ले डिवीजन मेथड के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, और व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट अ गिवन एक्सप्रेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के थ्रू जब हम एक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम एक्चुअल डिवीजन जो है वो स्क्वायर रूट के लिए, यानी वी यूज द मेथड ऑफ एक्चुअल डिवीजन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए फिर हम लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन का मेथड यूज करते हैं, और ये वही मेथड है जो हम स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स में भी यूज करते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स फाइंड करने का तरीका आता है तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए। तो ये किताब में कुछ स्टेप्स गिवन है, इन स्टेप्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। ये एक एग्जांपल गिवन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स में पहले कहा गया है कि आप एक्सप्रेशन को जो आप एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। तो पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसको अगर हम देख ले, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है और वो एक्सप्रेशन बाद में आता है। इसी तरह क्यूब जो है वो स्क्वायर से भी बाद में आता है। तो हम पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारे पास कैसे आएगा, इसको हम 16x4 पहले आएगा, फिर इसके बाद 24x³ आएगा, फिर जो है 25x² आ जाएगा, फिर -12x और फिर +4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, ये सबसे पहला स्टेप है। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो पहला एलिमेंट है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमें पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 16x4, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और x टू द पावर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है। अगर हम 4x² को 4x² से मल्टीप्लाई करें तो इससे 16x4 बन सकता है। तो ये पहला टर्म जो है ये हम लिख लेते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला काम करना है वो 16x² का परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर हम 4x² को मल्टीप्लाई करें 4x² से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो 16x⁴ आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे अगर माइनस करें तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो -24x³ +25x² -12x+4, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो ये है कि आप, ये थर्ड स्टेप था हमने कर लिया, नेक्स्ट स्टेप जो है फाइंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर रूट बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बाय ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द स्क्वायर रूट। तो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसका अगर आप ट्वाइस ले ले तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x² जो है ये हमारे पास 8x² बनता है, ठीक है। अब ये कहता है, ये थर्ड स्टेप कहता है फोर्थ स्टेप के आप जो है इस रिमाइंडर का फर्स्ट टर्म जो है इस 8x² से डिवाइड करें। तो अगर हम 24x³ को 8x² से, -24x³ को 8x² से डिवाइड करें तो ये 8 × 3 = 24, और ये x इसके साथ ये -3x आएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ये -3x है, तो पहले हम इसको डबल करेंगे, ये जो 4x² है इसको हम 8x² करेंगे, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे कि जो अब ये जो -3x है ये नए डिवाइजर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे -3x यहाँ पे हम ऐड करते हैं और यहाँ पे इसको जो है -3x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इस क्या सिचुएशन बनती है। तो 8x² -3x, अब इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई द सेकंड एलिमेंट विद द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर रूट एंड सेकंड एलिमेंट, ठीक है जी। अब इन्होंने ये कहा है कि ये -3x जो है आप डबल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जो 8x² है -3x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि -3x को सिर्फ 8x² -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जब हम -3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है, यानी -3x मल्टीप्लाइड बाई ये जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि आप इससे मल्टीप्लाई करें, तो इससे -24x³
9x स्क्वायर आएगा, यानी माइनस 3x को अगर आप 8x स्क्वायर माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 3 24x इंटू x x क्यूब, ठीक है, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 9 एंड x इंटू x इज इक्वल टू स्क्वायर। तो अब हम इसको मजीद ऑपरेट करेंगे, तो इसको अगर हम पॉजिटिव करें, इसको नेगेटिव करें, तो ये खत्म हो जाएंगे और हमारे पास जो नया रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आएगा, 25 से अगर हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो न्यू रिमाइंडर जो है वो इस वक्त हमारे पास 16x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 12x आ जाएगा और प्लस 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने इसको मजीद आगे लेके जाना है, तो मजीद इसको कैसे लेके जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट सर यहाँ पे अब ये जो माइनस 3x है इसको हम डबल करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, तो इसको अब जब हम डबल करेंगे यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यू स्टेप जो होगा हमारे पास वो न्यू जो डिवाइजर होगा वो 8x स्क्वायर होगा और माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि इस 16x स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि फाइंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर रूट विच इज 2। तो अब हमारे पास क्या है, इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर मैं, इसको हमने सिंपल डबल किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया, तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं किस चीज से जरब दूं जिससे ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाए, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे अगर मैं प्लस 2 लिखूं तो यहाँ पे भी मैं प्लस 2 लिखूंगा, ठीक है, तो विच इज इसको अगर मैं प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी मैं प्लस 2 लिखूंगा, ठीक है। तो अब ये 2 जो है, ये 2 आप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप साथ नहीं लिखेंगे, ये 2 सिर्फ आप इस पूरे के साथ नए डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 2 को अगर मैं इस 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 12x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये और ये और ये सारा कैंसिल आउट होके यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो जो हमारे पास बचता है, जो आंसर है हमारा, वो क्या है, वो अब हम यहाँ लिखें। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो हमारे पास इसमें जो आंसर है, जो स्क्वायर रूट है, वो ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमारे पास आंसर है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमने फाइंड कर लिया है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ, यानी अगर आप इसको ऐसे लिख दे कि 16x टू द पावर 4 माइनस 24x टू द पावर 3 प्लस 25x टू द पावर 2 माइनस 12x प्लस 4, इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले ले तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, इससे आंसर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे आंसर ये आएगा, इसको अगर हम एब्सोल्यूट में बंद कर दे तो इसका मतलब है कि ऐसे आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका आंसर यही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल टेक्निक था जो हमने अप्लाई किया, मैं इसको एक दफा रिपीट करता हूँ कि हम एक पॉलीनोमियल अगर हमारे पास गिवन हो तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक्सप्रेशन की पावर ज्यादा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता हो तो हम डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखेंगे, यानी जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड उस पर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो टर्म है उसको हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो तो हमें आसानी से मालूम हो सकता है कि 4x स्क्वायर को अगर आप 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16x 4 बन जाएगा, फिर इसको आप जिस तरह डिवीजन में माइनस करते हैं, सिंबल्स चेंज करते हैं, उसी तरह आप इस पे वही प्रोसेस अप्लाई करें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इसको डबल करना है, इस टर्म को आपने डबल करना है, ये डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके साथ कुछ ऐड या माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ क्या ऐड करें जिससे ये या माइनस करें जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन से ये बनता है, तो वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने डबल कर दिया है और यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे जो पहला टर्म है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक माइनस 3x आएगा,
अब इस माइनस थ्री एक्स को इस जो हमने डबल किया इसके साथ ऐड करेंगे, जो नया डिवाइजर है यानी ये नया डिवाइजर 8x² की बजाय 8x² माइनस 3x हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में चेंज आएगा वो भी हम वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में भी ये हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर माइनस साइन है तो खुद ब खुद माइनस में चला जाएगा, अगर प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा। अब नया डिवाइजर जो हमारे पास आया है, इस पूरी की पूरी डिवाइजर को हमने यहाँ पे जो ऐड किया है सिंपल उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी क्वेश्चन के साथ नहीं। तो 8x² माइनस 3x को जब हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास यही आंसर आता है। फिर इससे एक नया रिमाइंडर आएगा। अब नया रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 16x² माइनस 12x प्लस 4 है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 8x² को हमने नहीं छेड़ना, जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था उसको डबल करके यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने 8x² माइनस 6x यहाँ पे लिख दिया है। अब 16x² को अगर मैं माइनस 16x² यानी इस पूरी की पूरी को अगर मैं यानी अब इस ये सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो इससे ये बन सकता है। तो लिहाजा हमें जो है मजीद इसमें ये यहाँ पर ये यहाँ तक जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इस पूरी की पूरी को हम जो है एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इसलिए ये 2 जो यहाँ पे लिखा है इस 2 को हम पूरी की पूरी यहाँ इस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो आंसर हमारे पास यही क्वेश्चन जो है ये हमारे पास आंसर होगा, यही वो स्क्वायर रूट होगा जिसके लिए हमने ये सारे स्टेप्स जो है अप्लाई की है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि एक पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट हम एक डिविजन के थ्रू कैसे फाइंड कर लेते हैं। थैंक यू, अस्सलाम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।